नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। इसकी शुरुआत किसने करी? जातियों में बांटने का प्रयास तो विपक्ष ने ही करा, अब दूसरी तरफ से भी तो काउंटर नैरेटिव आएगा ना। बटोगे तो कटोगे, कटोगे किससे? अपनी जड़ से, अपने मूल से, अपनी संस्कृति से। अब जिनकी कसाई मानसिकता है उसके लिए कटने का एक ही मतलब होता है, मैं क्या कर सकता हूँ भाई। जहाँ जहाँ होके अकबर का घोड़ा गया वो जमीन बाप की है, और जहाँ जहाँ होके मेरे राम जी गए, हनुमान जी गए, कृष्ण जी गए, वो सारी जो जमीन है नहीं, वो सनातन बोर्ड लेगा। नहीं है माता देवी में करता नहीं है, तुम नहीं दिखता हमको, सब जगह दिखता है माता देवी, सब जगह दिखता है माता के मंदिर में, भी पक्ष में देवी पाटन में, हम उसके भी पक्ष में नहीं, हम उसके भी पक्ष में नहीं, मुसलमानों की दिखती है। झूठ बोलना, टीवी चैनलों पे आकर के दलाली करना और इस्लाम धर्म को बदनाम करना, किसकी कर क्या ये कर रहे हो? जैसे अपने मंदिर में बैठ के मेडिटेशन करना होगा, मैं ये भी पहनूंगा, मैं घंटी भी बजाऊंगा। धर्म धर्म व्यक्तिगत है, धर्म व्यक्तिगत है, सार्वजनिक नहीं। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और इस हफ्ते ये देश है हमारा में बात होगी कई महत्वपूर्ण मुद्दों की। पूरे देश में हर्षो उल्लास का माहौल है, लेकिन देश के कई हिस्सों में चुनावी जोर शोर भी दिख रहा है। और हरियाणा के बाद बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे को महाराष्ट्र और झारखंड में भी भुनाने की कोशिश कर रही है, तो विपक्ष इस फॉर्मूले का तोड़ ढूंढने में जुट गया है। और इसी के साथ बड़ा पोस्टर वार भी चल चुका है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के पोस्ट में कहा गया है कि बीजेपी धर्म और जातियों में देश को बांटना चाहती है, तो समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगा रखा है ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। इसी बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई है, और वो बड़ी लड़ाई है वक्फ बोर्ड के मामले पर। उस पे सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि संसद की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में आए दिन हंगामे की लगातार खबरें आ रही हैं। तो जाने माने भागवत खतावाचक देवकिरंदर ठाकुर जी ने अब सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर डाली है। आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा। कौन बट रहा है, कौन कट रहा है और कौन बांट रहा है? अभिनंदन करिए देवकिरंदर ठाकुर जी का विशेष कार्यक्रम में। जोरदार तालियों से अभिनंदन है हमारे सारे मेहमानों का। मौलाना अंसार रजा है हमारे साथ, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। विवेक श्रीवास्तव है मेरे साथ, शहजाद पूनावाला है भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, शादाब चौहान है मेरे साथ नेता पीस पार्टी के, उनका भी अभिनंदन है। लेकिन 500 सालों का ये इंतजार और सियासत की ये चाल दोनों क्या है देखिए। तो ये लोग एक है तो सेफ है, उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही। कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये पीडीए की ताकत से घबरा करके नारा निकाला गया है, इस बार पीडीए लोगों को जोड़ेगा। सियासत की ये तलखी बता रही है कि एकता पर घमासान का तापमान कितना हाई है। मुद्दा शुरू हुआ हरियाणा चुनाव से, जब योगी ने फेमस नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे। इसके बाद नारे का असर महाराष्ट्र तक दिखा और फिर लखनऊ में भी पोस्टर वॉर छिड़ गया। ये बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। पीडीए तैयार है, पीडीए के लोग तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। किसी भी नारे का पीडीए पे कोई
पड़ने वाला नहीं है। अलग अलग प्रकार से बांटने की राजनीति करने वाले लोग आज जोड़ने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बटोगे तो कटोगे नारा क्या दिया कि सब अब जोड़ने पर उतारू हो गए। आपस में बांटने की और दुराव पैदा करने की न वर्ग में न समाज में न किसी जात में, ये भाजपा का काम है कि केवल और केवल लोगों को वर्गवाद करना, जातना, बांटना, ये भाजपा का काम है, इसी पर भाजपा काम करते चले। इस बीच मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड की मांग करके नई बहस शुरू कर दी है। अगर आप वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करते हो तो आपको सनातन बोर्ड का सपोर्ट करना होगा, और जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हत्या रखी है उतनी जमीन सरकार को कहीं से भी इक्वायर करके हमारे सनातन बोर्ड को देनी पड़ेगी। लेकिन आज का बड़ा सवाल ये है कि क्या बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे ने विपक्ष को अपनी रणनीति मजबूत करने पर मजबूर कर दिया है? आज इसी पर होगी जनता के बीच जोरदार बहस। तो आज की चर्चा के बड़े मुद्दे क्या है? बटेंगे तो कटेंगे क्या हिंदुत्व का अपग्रेडेड वर्जन है जैसा विपक्ष कह रहा है, और वक्फ बोर्ड की तर्ज पर क्या सनातन बोर्ड की मांग जो है वो जायज है? क्या उतनी जमीन भी सनातन बोर्ड को देनी होगी सनातन बोर्ड बनाकर जितनी वक्फ के पास है? ये डिमांड कितनी जायज है? आइए इन तमाम सवालों के जवाबों को तलाशेंगे। मेरा एक बार फिर अभिनंदन मैं करना चाहता हूं आप पांचों मेहमानों का, जोरदार तालियों से आप सबका अभिनंदन है। और इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और इस चर्चा की शुरुआत में करता हूं देवकी नंदन जी आपसे। 500 साल बाद रामलला अपने महल में दीपावली मना रहे हैं, यह कोई सामान्य दीपावली नहीं है। भगवान श्री राम के विषय में कहा जाता है, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब लोका। जब भगवान श्री राम राज गद्दी पर विराजमान हुए तो समस्त प्राणी हर्षित हो गए और सभी जो शोक थे वो सब समाप्त हो गए। 500 साल बाद ऐसा समय है कि जहां भगवान श्री राम अपने ही स्थान में टेंट से निकलकर, तंबू से निकलकर एक ऐसे भव्य दिव्य भवन में जाकर विराजमान हुए हैं, जहां उनका दर्शन करते हुए अनेक संतों की आंखें नम हो गई थी, जिनका दर्शन करते हुए भक्त जो है झूम उठे थे, और स्वयं इस देश का प्रथम सेवक नंगे पांव चलकर भगवान श्री राघवेंद्र के चरणों में नतमस्तक होने के लिए गया था। ये दीपावली हर्ष देने वाली भी है और गौरव देने वाली भी है। तो 500 वर्ष बाद ये दीपावली आई है विवेक श्रीवास्तव। नहीं, हम तो नास्तिक है, लेकिन बाबा आप देखिए क्या हुआ आज। इन्होंने कहा बोलो राम राम, आवाज कम आई, फिर बोला थोड़ा और जोर से बोलो, फिर आवाज कम आई, फिर तीसरी बार बोला और जोर से बोलो, तो अब दम लगाना पड़ रहा है क्योंकि लोग काफी हद तक धर्म की राजनीति को समझ चुके हैं। और दुर्भाग्य से इन्होंने बोला ही नहीं। नहीं नहीं, आप सुनिए, मैं तो ये ईद नहीं मनाते, दिवाली का नहीं पता, ईद मनाना छोड़ चुके हैं। ठीक है, अब उनको भी बोलने दे। देखिए ऐसा है कि भारत के हर पर्व को मैं मनाता हूं, पर जिनकी कनेक्शन ही चाइना से हो और भारत को ना मानते हो तो वो चाइनीज के न्यू ईयर को मनाते हैं पर दीपावली नहीं मना पाते। और क्योंकि उन्होंने भाई ने अपेक्षा की कि मैं बुलाऊं, मैं आपको कहता हूं रोम रोम छोड़ो, राम जी को अपना लो। और आओ, नहीं, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। नहीं बिल्कुल, इनके तो नेताजी का नाम सीताराम येचुरी था, तो आपको तो राम राम जोर से बोलना चाहिए। बोलो अयोध्या पति सियावर रामचंद्र की जय। देखिए उस समय पर स्वामी जी जानते हैं सत्यनारायण मौर्य जी, बाबा सत्यनारायण मौर्य जी ने एक संकल्प लिया था जो सुधांशु जी बहुत सुंदर तरीके से बोलते हैं, राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे। पर मैं आपसे दोस्तों, मेरे यंग मित्रों, मैं आपसे एक दूसरा संकल्प लेना चाहता हूं, और वो संकल्प आप लेंगे मेरे साथ, एक संकल्प लीजिए और वो संकल्प मैं दोहराना चाहता हूं। हिंदू तुमसे एक फरियाद, मत मानो इन जयचंदों की बात, बटने से पहले करो बांग्लादेश को याद, इनका मकसद है केवल वोट जिहाद, करके हजारों भीतर गात, हिंदू को बांटो कभी भाषा कभी जात, ये जमात है वोट जिहाद के साथ, एक होकर दे दो इन मीर जाफरों को लात,
हिंदू तुमसे एक फरियाद, मत मानो इन जयचंदों की बात। ठीक है, बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। अंसार आजाद अक्सर टेलीविजन पर उतना नहीं आते जितना बाकी मेहमान आते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो बटन पर कटेंगे की लाइन है, और क्या आपको लगता है कि ये हिंदुत्व का अपग्रेड वर्जन है? आपकी राय क्या है? असल में अमीश जी, नारों का जो कॉन्सेप्ट है वो जैसे जैसे हालात बदलते जा रहे हैं, सियासत बदलती जा रही है, वैसे वैसे नारों का कॉन्सेप्ट बदलता जा रहा है। ये हमारा भारत वो प्यारा मुल्क है जिस मुल्क में जय जवान जय किसान के नारे लगते थे, आज क्या लग रहा है? भारत तेरे टुकड़े होंगे, और नारे अपग्रेड हुए। हमारे पीएम साहब ने इतना प्यारा नारा दिया, देश को चाहिए था उस नारे को गले लगा लेते, सबका साथ सबका विकास। क्या बुरा था इस नारे में? उसके बाद उन्होंने उसमें एक लफ्ज और जोड़ा, सबका विश्वास। ये तो पूरे देश के लिए था ना। अब उस नारे को धक्का मार करके अब ये आ गया, बटोगे तो कटोगे। मोहन भागवत जी ने एक जुमला कहा था कि हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं जी, सब हिंदू हैं। कौन सहमत है उनकी बात से, कौन नहीं, वो अलग बात है। उन्होंने कहा सबका डीएनए एक है, तो फिर ये नारा लगवाया क्यों जा रहा है? खाली कुर्सी के लिए, खाली सत्ता पाने के लिए, चूंकि ये प्रयोग कर चुके हैं हरियाणा में, अब इसको महाराष्ट्र में डेवलप किया जा रहा है, इसको प्लानिंग के साथ बाकायदा। प्लानिंग आपको लगा पॉलिटिकल प्लानिंग है? देवकीनंदन ठाकुर जी, बटोंगे तो कटोंगे पे। अच्छा, ऐसा होता है क्या, मतलब जवाब टोके हम रुक जाएं? जी नहीं, आप अपनी बात को रख लिया आपने, मुझे लगा आपने मुझे बोलना तो दीजिए। जी जी, 30 सेकंड और बोल लीजिए। हम इस तरह से कर नहीं सकते, जो हम रटा हुआ लेकर के आए पहले हम बोल दें, उसके बाद हम खामोश हो जाएं। अच्छा, ये तंज किस पर था? मैं शहजाद भाई को कह रहा हूँ, मैं उसमें क्या बोला था, उसमें तंज वाली कोई बात ही नहीं। मैं तंज कसूंगा तो फिर सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। मुझे बोलने तो दीजिए सर, मैं तंज कसूंगा तो बहुत कुछ खिस जाएगा। ठीक है, एक जी देखिए, हम कोई रटी हुई तो लेके आते नहीं कि हम 9 साल से वही रटे चले जा रहे हैं, आकर के तालियां बजवा करके रट 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 के जो रटा है उसी से बुरा हाल है आप लोगों का। मैं एक बात बता दूं आपसे, ये मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है, और हम तो मोदी जी से कहेंगे कि मोदी जी, आपकी दुनिया में बहुत चर्चा है, बहुत सारे इस्लामी मुल्क आपको बुला करके सम्मान देते हैं। जिस तरह से आपका रवैया दुबई में रहता है, जिस तरह से आपका रवैया दूसरे इस्लामी मुल्क में रहता है, आपको चाहिए कि जब पलट के आए तो जेपी नड्डा फ्लाइट के सामने न खड़े हो, अंसार रजा खड़ा हो आपका इस्तकबाल करने के लिए, तब कमाल है इस मुल्क का। तो मैं मोदी जी से इतनी गुजारिश करूंगा, सरकारें आती जाती रहेंगी जी, आप थोड़ा सा इस देश को बचाइए। ठीक है, तो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने बोला कि बटेंगे और कटेंगे नारे में ऐसी कोई आपत्ति मुझे नहीं दिखाई देती, और हिंदुओं को नहीं बटना चाहिए। आप बहुत जाने माने कथावाचक हैं, आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं देवकीनंदन जी? अभी जी, आप एक बात बताइए, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जी बिल्कुल, इसका मतलब है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, और ऐसा हो नहीं सकता कि एक कुत्ते के कुत्ता भाग रहा था बिल्ली के पीछे और वो आंख बंद करके बैठ गई कि अब मैं कुत्ते को नहीं दिखूंगी, तो इससे बिल्ली का क्या होगा बताइए? तो बिल्ली का ही नाश होना है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे आंख बंद करने से कुत्ते को नहीं दिखना बंद नहीं होगा, तुम्हें दिखना बंद होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आज अगर हम ये बात को कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, बांग्लादेश में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ? हम लोग इस देश में भाईचारा भाईचारे की बात करते रहे और वहां हमारे भाई बहनों को हमारी बहन बेटियों के पैर में रस्सी बांध के सड़क पे खींचा जाए और हम यहां भाईचारा निभाते रहे? ना, मैं इस पक्ष में नहीं हूं। मैं इस पक्ष में हूं, अगर मेरा हिंदू और हिंदू के साथ अगर मुसलमान इस देश में सुरक्षित है तो मेरे हिंदू भाई बहन प्रत्येक मुस्लिम कंट्री में सुरक्षित वैसे ही होने चाहिए जैसे यहां मुसलमान सुरक्षित है। पर कई 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 देशों में सुरक्षित है, बांग्लादेश का एग्जाम्पल एक हो सकता है, अफगानिस्तान का एग्जाम्पल हो सकता है, पाकिस्तान का एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन यूएई में सुरक्षित है। अच्छा, बंगाल में, बंगाल में, बंगाल में कुछ इलाकों में समस्या है, फिर क्यों है वो, क्यों डेमोग्राफी में बदलाव आया है? क्या वहां मुसलमान नहीं है? ओके, अंसार रजा, शदाब चौहान भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अंसार भाई, कुछ बांग्लादेश में हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। बिल्कुल,
हमारे हिंदू भाइयों को जो तकलीफ दी गई है बिल्कुल गलत दी गई, उनके साथ ये नहीं होना चाहिए था वहां के। लेकिन अंसार रजा दिक्कत ये होती है ना, प्रदर्शन नहीं करता। मैं जो ना विवेक श्रीवास्तव करते हैं ना अंसार रजा करते हैं ना ओवैसी करते हैं प्रदर्शन। मैं कांग्रेस बोलते तक नहीं है भैया, मैं जो बोलते तक नहीं, मैं दूसरे की बात नहीं करता, मैं साहब अपनी बात करता हूं। मैं उनके साथ ना इंसाफी हुई है और वहां के मुसलमानों को चाहिए था रक्षा करते। अब आ जाइए आप, हुआ क्या है, इसकी बुनियाद पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अगर वहां के हिंदू भाइयों को तकलीफ हुई है, हमने क्यों शेख हसीना को पनाह दी, क्यों उसको वहीं रहने दिया जाता ना? एक हिंदू भाई पे कोई उंगली नहीं उठा सकता था, ये किया हमने। पर शेख हसीना के रहते हुए दिक्कत नहीं थी, उसके बाद दिक्कत आई है सर, उसी के रहते हुए दिक्कत हुई है सर। सर दिक्कत तो वही है, कारण तो वही है ना। अरे आपको कारण तो वही है शेख हसीना से। दूसरा एक मिनट महाराज जी, बहुत हमारे लिए रजा जी इज्जत माब है। एक दस सेकंड फिर आप बोलिएगा। बहुत इज्जत माब है महाराज जी हमारे लिए, हम बड़ा एहतराम करते हैं। कभी कभी हम फोन पे दिल करता है हम बात कर लेते हैं। महाराज जी ने मिसाल की बात की, कुत्ता की और बिल्ली की, मुझे नहीं पता वो कहाँ ले जाना चाह रहे थे, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हो और चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हो, उनकी जबान से कोई ऐसी बात ना निकले जो धर्म से बाहर जाए। अभिनंदन जी 10 सेकंड, देन शताब चौहान मैं आऊंगा। देखिए प्रॉब्लम है, जब ईद होती है तो बकरे काटो तो कोई प्रदूषण नहीं है, और जब क्रिसमस होती है तब पटाखे चलाओ तब कोई प्रदूषण नहीं है, लेकिन जब दीपावली आती है तब प्रदूषण हो जाता है, होली आती है तब ये कहते पानी वेस्टेज हो रहा है। अरे तुम्हारा सब कुछ पीछे हमारे सनातनियों के पीछे पड़े रहोगे क्या? या फिर देश में एक मिनट सुनिए, 10 सेकंड मेरे, 10 सेकंड मेरे, तो क्या क्या चाहते हो आप, क्या चाहते हो? धर्म के नाम पर, यही धर्म है क्या? प्रकृति को लेके चलना धर्म है, प्रकृति को साथ लेके चलना धर्म होता है। तो जल प्रकृति को खत्म करना धर्म नहीं है? जल प्रकृति नहीं है, जल प्रकृति बना के और हवा को खराब करो। अरे जल प्रकृति नहीं है, धर्म है क्या? अरे ये सब चीजें है, तो ये सब चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना, इस चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। हर पे है नहीं है? कामाख्या देवी में करता है खत्म नहीं दिखता हमको, सब जगह दिखता है कामाख्या देवी, सब जगह दिखता है माता के मंदिर में, पक्ष में देवी पाटन में, हम उसके भी पक्ष में नहीं, हम उसके भी पक्ष में नहीं। सिर्फ मुसलमानों की दिखती है आपको? अरे हमको तुम्हारी भी दिखती है। प्रकृति को समझिए, हम प्रकृति को समझते हैं। जी जी जी, ओके 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 ओके। देव के रंजन जी, विवेक जी से एक छोटी सी गुजारिश करूंगा। जी जी, विवेक जी से एक छोटी सी गुजारिश करूंगा। विवेक जी आप अपने तर्क रखें, हमें इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन देवकी नंदन पांडे जी एक सम्मानित व्यक्ति हैं। एक मिनट, थोड़ा सा लफ्जों को और आवाज थोड़ा सा देखिए, हमारे यहाँ सम्मान होना चाहिए। बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बोली, बहुत सम्मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और नहीं, मैं एक सेकंड, शदाब चौहान क्या आपको लगता है ये बटेंगे और कटेंगे की जो पॉलिटिक्स है, इसकी शुरुआत किसने करी? जातियों में बांटने का प्रयास तो विपक्ष ने करा, अब दूसरी तरफ से भी तो काउंटर नैरेटिव आएगा ना। एक्शन हुआ तो रिएक्शन होगा, एक्शन कर लिया आपने 2024 में, रिएक्शन आ गया हरियाणा में। 2024 के एक्शन का जो रिजल्ट आया उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत से नीचे आ गई, अब वो दोबारा वहीं जाना चाहती है। और कटेंगे जैसा शब्द भारत में इस्तेमाल होना नहीं चाहिए, चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, धार्मिक हो, क्यों कटेंगे? हम सब जिएंगे, यहीं जिएंगे और देश के लिए जिएंगे। और सर तन से जुदा का नारा इस्तेमाल बिल्कुल गलत है, गलत है, हुआ है ना, हुआ है। इस देश में बहुत कुछ हुआ है, हिंदुओं के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है, अरे सिर्फ नारायण ही हुआ, मुसलमानों के लिए जुदा हुआ है। ठाकुर साहब हम भी ठाकुर हैं, हमें बोल दीजिए कम। अच्छा, मतलब इस्लाम धर्म में भी ठाकुर होते हैं? हाँ होते हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, इसमें कोई ठाकुर साहब नहीं है, फॉर योर कंफर्मेशन, इनकी जानकारी के लिए बता दे मैं ठाकुर नहीं हूँ। अच्छा हाँ, ये मुझे समझ लेना कंफ्यूजन था। मतलब यहाँ भी हम अपना खेल कर, रिश्ता मत बनाइए। नहीं नहीं, मैं हूँ आप नहीं, मैं हूँ, मैं श्री राम का रिश्तेदार हूँ, आप नहीं है, ठीक है। ये आपने फुल टॉस बॉल दे दी थी उनको, तो चक्का तो मारना ही था। नहीं तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप नहीं है, बात अलग है, मैं श्री राम का रिश्तेदार हूँ, मैं रिश्तेदार हूँ। काश वो रिश्तेदारी अब तक निभाते, अभी भी निभा रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ सच, वो रिश्तेदारी आज निभा रहा हूँ, इसीलिए बेबाक होकर के बोल रहा हूँ कि अगर कोई देश के खिलाफ बात करता है, कोई किसी को काटने मारने की बात करता है, चाहे टोपी लगाकर करे, तिलक लगाकर करे, क्या कोई राजनीतिक व्यक्ति करे, कोई भी करे, मारने काटने की बात इस देश में नहीं, मारने काटने की तो बात करी नहीं, बोला बटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे क्या, कटेंगे कटेंगे लव किस कटेंगे क्या कटेंगे ये तो बताएंगे, ये मुझे 10 सेकंड 15 सेकंड लीजिए। लेकिन हमारा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए, अब इन्होंने कहा कि लोग वोट जिहाद कर रहे हैं, शहजाद भाई को जिहाद का मीनिंग मालूम नहीं,
प्रधानमंत्री जी जब चाइना से मुकाबले की बात करते हैं, जब पाकिस्तान से मुकाबले की बात करते हैं, तो उस समय जिहाद कर रहे होते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए। जिहाद का मतलब है संघर्ष करना। जिहाद का मतलब यह नहीं है कि किसी मासूम की हत्या कर देना जिहाद होता, नहीं होता। इसको कंडम करना पड़ेगा। कटेगा क्या? हाँ, मैं सब इस पे जवाब देता हूँ। आपको जिहाद शब्द इतना अच्छा लगता है तो आप बताइए ना कि वोट जिहाद करना सही होता है? वोट जिहाद पर कुछ नहीं बोलेंगे, बट एटलीस्ट मैंने किसी तरीका सीख रही है। मैंने एक भी बार बोला नहीं जिहाद, आप मुझे संरक्षण नहीं देंगे। मैंने सबकी बातें सुनी, किसी के बीच में नहीं बोला। अंसार रजा ने दो बार बोला और मेरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी की, तब भी मैंने कुछ नहीं बोला। अगर मेरे पास मेरा संरक्षित समय नहीं होगा तो फिर मैं इस डिबेट में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। आप मुझे या तो मेरा पूरा समय बोलिए 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 बोलिए, आप गारंटी देते हो? बिल्कुल बोलिए, आपका एक मिनट है, बोलिए। थैंक यू। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बटोगे तो कटोगे, कटोगे किससे? अपनी जड़ से, अपने मूल से, अपनी संस्कृति से। अब जिनकी कसाई मानसिकता है उसके लिए कटने का एक ही मतलब होता है, मैं क्या कर सकता भाई? कसाई मानसिकता से मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी बात, यहां पर कुछ लोग जो बैठे हैं, जो अवतरित हो जाते हैं एकाध डिबेट में, उनसे पूछे ना कि बहुत बुरा लग रहा है ना, अपग्रेड हो गया नारा, अपग्रेड हो गया नारा। तो ये नारा जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला गया, क्या फतवा जारी? हिंदू हिंसक है, क्या फतवा? सुन लीजिए आप कान खोल के, द्वारका में नाटक होता है, क्या फतवा जारी? मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते, क्या फतवा जारी? सनातन समाप्त, क्या फतवा जारी? कृष्ण जी ने अर्जुन को जिहाद सिखाया था, क्या फतवा जारी? कोई जिहाद, कोई बयान कर दी जारी किए और कहा ये जिहाद नहीं होता। अभी विवेक जी ने बोला कि प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए, महाराज जी को बोल रहे थे। तो ट्रीज काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है, क्रिसमस में क्यों ट्री काटते हो? बकरे काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है, एक मासूम बकरे को क्यों काटते हैं? बोलो कि ब्लड लेगी और फिर और अंसार हजार हजार जाएंगे। गलत कह रहे हो, बीच में नहीं, गलत कह रहे हो। विवेक जी, मैंने आपके बीच में, विवेक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। विवेक जी, मैंने आपके विवेक विवेक कंपिटेंट पे विवेक, एक तो मेरा निवेदन है, 10 सेकंड राम जी के नाम की बात को 10 सेकंड रखा हुआ है, डाल लीजिए। अगर डालना है तो मैं अपनी बात को 10 सेकंड में समाप्त करूंगा। क्या हुआ? समय हुआ 10 सेकंड के साथ ही मात्र चला जाए। स्वामी जी, मात्र 10 सेकंड की बारी है, ऐसा नहीं ना। तो 10 सेकंड का थोड़ी होती है, मैंने 10 सेकंड दिए। अरे आप एक मिनट जी, ये मत करवाइए, देखिए कितना भड़क रहे हैं। 10 सेकंड, ये तरीका नहीं है। 10 सेकंड, ये क्या तरीका है? मैं आपको एक मिनट दूंगा, हमें नहीं चाहिए 10 सेकंड। इनको मेरे समय पर अतिक्रमण करना है, ये वक्त मानसिकता है। अब देखिए, मेरे समय पर अतिक्रमण करना, सुन लीजिए, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जैसे कहते ना क्रैकरलेस दिवाली, एक बार सारे राजनीतिक दल अपील करें, ट्रीलेस क्रिसमस होनी चाहिए और ब्लडलेस ईद होनी चाहिए, सबके असली चेहरे सामने आ जाएगा। और आखिरी बात, बस जी, मेरी रटी हुई है या नहीं? कुछ लोगों की हटी हुई है, जब से पसमांदा बोलता है, कुछ अंसार और सैयदों की हटी हुई है, क्योंकि मुस्लिम लोग पसमांदा को बैठने नहीं देते। मुझ जैसे मुसलमान को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हटी हुई है आपके आपके धर्म पे कुछ। ओके, अंसार रजा की बारी है, अंसार रजा किसी के बीच पे नहीं बोलते। पहली बात बता दूं आपसे, जिसने भी ये कहा कि राम मंदिर में नाच गाना हो रहा है, वो उसने गलत कहा, उसका देश के मुसलमानों से ना जोड़ो। अच्छा। नंबर वन, एक राहुल गांधी ने कहा था। मैं क्या कह रहा हूँ आप, राहुल गांधी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है, राहुल गांधी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है, और राहुल गांधी पे फतवा नहीं लग सकता। एक मिनट नहीं सुनिए, दूसरा हम सेकुलर नेता नहीं बोला। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, अगर प्रभु राम के विवेक भी बैठे, प्रभु राम के मंदिर, सही कहा था राहुल गांधी ने, क्या गलत कहा? प्रभु राम के मंदिर, वो कह रहे गलत का, सुनकर कहने दो, मैं सहमत नहीं हूँ। वो डिप्लोमेसी झाड़े, मैं सहमत नहीं हूँ, हम तो कह रहे हैं, मैं सहमत नहीं हूँ। डिप्लोमेटिक बातें आप सुनिए, एक सेकंड, राहुल गांधी ने ठीक कहा था, अब देखिए आपके बगल में कहा जाने उड़ का पूरा जलसा था, वहां पे तो क्या अंसार रजा को अध्यात्म करने आए थे, सुनिए, आलिया भट्ट वहां मेडिटेशन कर रही थी, आप भी करिए जाकर, अंसार रजा को बोलने थे। ओके, बोलने तो देखिए, आलिया भट्ट के साथ मेडिटेशन करना चाहते हैं, मैं क्या करूं? नहीं, ना उन्होंने आलिया भट्ट का नाम लिया, सुनो, वहाँ आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन, कोई भी आप अपने घर में नचवा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे, सुनिए महाराज जी ध्यान से सुनिए, ऐसे नहीं आ रहा, बहुत सारे ऐसे एक्टर, मैंने इसीलिए मैं नहीं आता करते हैं कि हम बी फीडर्स हैं, वो वहाँ उस प्राण प्रतिष्ठा में, एक सेकंड मैं जवाब ले लूं ऑब्जेक्शन है। देखिए विवेक जी, अंसार रजा को बोलने देंगे, देखिए ये देश की सेकुलर पॉलिटिक्स ऐसी है कि अंसार रजा ही नहीं बोल पा रहे। बताइए अंसार भाई, देखिए ये सेकुलर नेताओं को क्या करेंगे आप? मैं बता रहा हूँ उनका क्या होगा, ये देश अच्छी तरह से तय कर चुका है, क्या होगा बताइए। अब मैं एक बात आपको बोलता हूं, प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दावतनामा, जिसको हम निमंत्रण कहते हैं,
बहुत सारे लोगों के पास आया, राहुल गांधी के पास भी आया, कांग्रेस के पास भी आया, बीजेपी के समाजवादी पार्टी के पास लेफ्ट के पास भी गया था लेफ्ट पर। अगर ये लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए तो इसमें देश के मुसलमानों का क्या कसूर है? अरे मुसलमान कहां से आ गए? एक मिनट, पॉलिटिकल पार्टी मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं अपनी बात कहने आया हूं। मैं जिसको राजनीति करना है वो करे, इसी राजनीति ने दो कौड़ी का कर लिया है तो मैं ऐसी राजनीति नहीं करूंगा। अब कहा गया कि साहब मुसलमान का वोट मिलेगा अगर राम मंदिर जाओगे तो। अरे भाई यार, एक आदमी तो बताओ जिस मुसलमान ने कहा हो कि आप जाओगे तो हम वोट नहीं देंगे। क्यों मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो भाई? किसी ने मुसलमानों का नाम नहीं क्यों मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है? हमने कहा था बीजेपी का पॉलिटिकल इवेंट है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, वहां बॉलीवुड का जमावड़ा है, हम नहीं जाएंगे उस पॉलिटिकल इवेंट। आपकी राय दोबारा लूंगा एक सेकंड, लेकिन ये बॉलीवुड के लोग आगे तो बड़ी तकलीफ हो गई, लेकिन मैं बता दूं देवकीरंदन ठाकुर जी भी वहां थे, राम भद्राचार्य जी भी वहां थे, बागेश्वर धाम भी वहां थे, और मेरा सौभाग्य था मैं भी वहां था। वहां पर ज्यादा तादाद में साधु संत महात्मा थे। देवकीरंदन जी वो वेंट गॉन कर दिया इन्होंने, इन्होंने उसी शंकराचार्य कभी गो वेंट गॉन इन्होंने ही करा है। अरे नहीं, मेरी बात सम्मान से लीजिए आप, मेरी बात से तो पूछा भी गया था। नहीं गलत, मेरी बात सुनिए, ये जब से आए हैं एक ही मंगल पाठ पाढ़ रहे हैं, इन पे और कोई पाठ आता ही नहीं और इन्हें कोई और सिखा के भेजता भी नहीं। तो मैं निवेदन करूंगा कि पहले अपनी क्लास लगवाएं कहीं किसी अच्छे से टीचर से कि मैं जा रहा हूं तो मैं वहां जाके कुछ और बोलूं। रही बात मैं उस पूरे प्रोग्राम में था जो राम मंदिर का अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा हुआ, मैं पूरे कार्यक्रम में वहीं बैठा था। सिर्फ जितने भी लोग बॉलीवुड के आए थे सबने एक नाइस ड्रेस पहनी हुई थी जो वो कभी नहीं पहनते। ये उस धर्म का प्रभाव था, उस भूमि का प्रभाव था। माथे पे तिलक था जिनके कभी भी आप नहीं देखेंगे वो नंगी पुंगे ड्रेस पे पहनेंगे, लेकिन वो भूमि का प्रभाव था कि वहां जब गए तो वो हिंदू बनकर गए। और वहां जो आप सुन जाओ, वापस गए तब वापस जाए, अब तुम जाके जाके क्या करते हो हमें क्या पता? वापस जाए तो फिर क्या करोगे तुम? क्या फालतू की बात है, सुनो। और वहां जितने भी सिंगिंग कर रहे थे लोग, उन्होंने सबने भगवान के ही भजन बिल्कुल बिल्कुल गाए, और ये आप सबने अपने चैनलों पे देखा था। तो वो राम मंदिर के उत्सव को बदनाम ना करें, आपकी मानसिकता चाहे जो भी हो, लेकिन सनातन को बदनाम आप मत करिए। टीवी चैनलों पर बैठकर ये सनातन इस देश की पहचान है, आप इसे बदनाम करने का प्रयास करोगे, आई प्रोमिस यू आपकी पहचान इस देश से मिट जाएगी। ओके सनातन इस देश की पहचान है। ओके मैं शदाब आपकी राय लेता हूं। 10 सेकंड अमीश भाई, 10 सेकंड बोलूंगा। अच्छा ठीक है, आप 10। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आप बड़े धर्मगुरु हैं, बड़ा नहीं बहुत छोटा हूं। अजय तेरे बहुत छोटे धर्मगुरु हैं, छोटा बहुत सारा फॉलोइंग है। सुनिए, आपकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, लोग आपकी सुनते हैं, आप सब मानित हैं। मेरे सिर्फ दो पॉइंट है। पहली चीज, आप उसका प्रयोग पॉजिटिव क्यों नहीं करते कि आप ग्रीन दीपावली बताएं लोगों को, आप एक हिंदुत्व का या हिंदू धर्म का पॉजिटिव फेस बताएं, आप मेडिटेशन बताएं, प्रेम सिखाएं। अच्छा ये बताइए, अभी आपने बोला आप कि ग्रीन दीपावली मनाएं, हाँ। आप इसी मंच से किसी और त्योहार को बता सकते हैं ग्रीन? क्यों नहीं, सबको मनाना चाहिए, पोल्यूशन है तो सबके लिए खराब है। ब्लडलेस ईद बोल दो एक बार, बोले धर्म में हिंदू को बस ने तो नहीं बोला, आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें? मैं किसी के आप पे इशारा कर रहे हैं, मैं विवेक श्रीवास्तव, मैं कह रहा हूं इनका धर्म है यही बोल सकते हैं। मैं किसी के मजहब के बारे में जब हमको जानकारी, लेकिन ब्लडलेस हिंदू धर्म भी नहीं, सुनिए ब्लडलेस हिंदू धर्म नहीं है, मैंने गिनवा दिया। क्या बोल रहे हैं आप? ब्लडलेस हिंदू धर्म भी नहीं है, ब्लडलेस ईद की बात अगर ये कर रहे हैं। सुनिए मैं आपको बताता हूं, ये बलि तो हमारे यहां भी चलती है। ये ग्रीन दीपावली की बात कर सकते हैं, ब्लडलेस ईद की बात नहीं कर सकते, नहीं तो इनका भी ब्लड खतरे में आ जाएगा। देवी में बलि ना चढ़े, आप बोल दीजिए अभी। ठीक है, ठीक है, शदाब मैं बोलूंगा। शदाब, क्या भारत की पहचान सनातन से है, मानते हैं आप इस बात को? भारत की पहचान, आजाद भारत की पहचान, भारत के संविधान और यहाँ का जो सबको बराबरी का अधिकार है उससे है। बिल्कुल, लेट मी कंप्लीट। श्री राम जो है हमारी एक आइडेंटिटी का पार्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम मुसलमानों का भी एक ये विश्वास है कि जो आदम अली सलाम जो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ हैं, वो भी भारत में आए तो भारत से पूरे विश्व की शुरुआत है, ये हमारा मानना है। तो ये भारत की खूबसूरती है। लेकिन ये बार बार
ग्रीन दीपावली या ईद को टारगेट करना, शहजाद मैंने तीन चार बार ब्लडलेस ये आप ईद मनाएं ना मनाएं, आप पूजा करें वो आपका संवैधानिक अधिकार है। ना तो हम इस चीज का समर्थन करते हैं कि हिंदू भाई कैसे त्यौहार मनाएंगे, ये कोई मुसलमान तय क्यों करेगा, ना शहजाद तय करें, ना अंसार रजा साहब तय करें, ना शहजाद चौहान तय करें। और मैं ईद कैसे मनाऊंगा, ना ये शहजाद तय करेंगे, ना देवकी जी तय करेंगे, ना विवेक भाई तय करेंगे। भारत की खूबसूरती यह है कि आर्टिकल 25 हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। एक, 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 कोई कैसे तय कर रहा है? देवकीनंदन जी एक सेकंड, आप एक, मैं आपको बता रहा हूं देवकीनंदन जी, एक पॉइंट जो कि महत्वपूर्ण है, भारत की पहचान सनातन से नहीं है, भारत की पहचान भारत के संविधान से है। कितने साल पुराना है संविधान आप बोलिए नहीं, आपका जिस उस संविधान को मैं रामायण की तरह पूछता हूं, कोई इसे नेगेटिव ना डरे, पर संविधान कितने साल पुराना है? राजशाही ले आओ भाई इनके लिए, 70-74 साल पुराना है, राजा चाहते हैं वहां पर डेमोक्रेसी में भी पुराना। एक सेकंड शांत होएंगे, शांत होंगे आप, सुनिए सुनिए, और भारत कितना पुराना है? आदिकाल से है। इनको कहिए अपने पुरखे बदल लें, पुरखों से नहीं होता, पुरखे सबके पुरखे बदल लें फिर। ठीक है ठीक है, अंसार रजा एक सेकंड, मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा, अंसार रजा 30 सेकंड। देखिए सनातन धर्म का हम एहतराम करते हैं, हम इज्जत करते हैं उसकी, किसी को कोई हक नहीं सनातन धर्म पे उंगली उठाने की। लेकिन क्या बात है, इस बात में आपके एग्री हूं। जब भारत की बात आती है, जब हिंदुस्तान के संविधान की बात आती है, ठीक है ना, तो हम सबसे पहले चाहे कोर्ट में जाएं, थाने में जाएं, पुलिस में जाएं, वहां सनातन धर्म के ताल्लुक से बात नहीं होती है, वहां होती है संविधान के ताल्लुक से। तो हमें संविधान को पहले हमें रखना पड़ेगा। सर एक सेकंड, एक सेकंड जी, इनका नाम तो आज शहजाद चौहान है, लेकिन पहले तो ये भी राम के वंशज है, तो पहचान तो पहचान तो वही ना, आज का नाम शहजाद चौहान हो गया। मतलब एक सेकंड जवाब दे दूं, एक सेकंड जी देवकीनंदन जी, फिर शहजाद जिस कोर्ट में हम जाते हैं वहां भी लिखा रहता है सत्यमेव जयते, बिल्कुल यह तो धर्मो ततो जय, ये भी सनातन है जी। हो गया, बात खत्म हो गई ना। जी नहीं बोला, इसलिए मैं आपसे फिर से बिल्कुल आपका एक केवल 30 सेकंड बोलूंगा आपको। जो लोग यहां पर संविधान को ऊपर रखने की बड़ी बातें कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो संविधान के तहत आता है, जब यूसीसी ट्रिपल तलाक और वक्फ के विषय पर बार बार बोलता है, तो ये दोनों लोग मिलकर जो संविधान ऊपर है वहां पर शरिया का पुक पकड़ कर बैठ जाते हैं। अन्यथा बोलिए, एक सेकंड, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अन्यथा बोलिए, आरोप लगा रहे हैं, नहीं बोला किसी ने, नहीं नहीं आप सुन लीजिए, अन्यथा बोले कि तीन तलाक का जो वर्डिक्ट आया कि तीन तलाक पर कानून बनना चाहिए, तीन तलाक प्रतिबंधित होना चाहिए, पूछे दोनों मान्यवर से क्या सपोर्ट किया, यूसीसी को दोनों ने सपोर्ट किया। देखिए यहां पर आकर जो है ना अपना सहूलियत से चेहरा कुछ लोग लाल देते हैं और कुछ लोग चले जाते हैं, अभी उन्होंने कहा संविधान का पूरा सम्मान है, तो बताइए फिर जब कोई एक नारा लगाते हैं दिन दहाड़े कि मेरा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है और बाकी सर्व धर्म जो है वो खराब है, हमारे ही धर्म को पालन करना, और एक नहीं पांच बार ये नारे लगते हैं, तो इसका खंडन होगा नहीं होगा? और लाउडस्पीकर से भी नारे लगते हैं, अब बोलिए कि इसका खंडन करोगे कि नहीं करोगे? नहीं लगते कहां? अच्छा तो एक बार मुझे बता दीजिए, बोलिए कि आप इस्लाम फॉलो करते हैं ना? बिल्कुल करते हैं। तो उसमें क्या सनातन धर्म को भी मानना जायज है, हाँ या ना? मूर्ति पूजा जायज है, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं है। नहीं है, नहीं है। तो मेरा तरीका से अभी सनातन का समर्थन कर रहे थे, बड़ा सनातन का बड़ा समर्थन कर रहे हैं। ये है असलियत, कैसा चेहरा नकाब उतर गया है इन लोगों को, कि पांच के लगन नकाब उतर गया है, वो बताए ना पहले, 10 सेकंड में नकाब उतर गया। इसका जवाब लिए बगैर, इसका जवाब लिए बगैर डिबेट खत्म मत कीजिएगा। झूठ बोलना, टीवी चैनलों पे आकर के दलाली करना और इस्लाम धर्म को बदनाम करना, दलाली किसकी कर रहा है? ये कर रहे हो आप, किसकी दलाली कर रहे हो? किसने कहा पांच टाइम मुझे बताओ, पांच बोले अभी, पहले बताओ, 25 बोल दो, पहले बताओ, 25 पहले ये बताओ कि पांच टाइम सनातन धर्म को मौलाना कहां कहां जाता है? अंसार रजा, पहले ये बताओ, अशरफों से पसमांदा डरता नहीं है? छोड़ो यार अपना अधिकार, लेकर रहेगा डर के किस चोट पर? पहले ये बताओ, अशरफ से हम डरते नहीं है? कहां तुम जैसे सैयदों से हम डरते नहीं है? डरने की बात नहीं है, कोई ना डरता, कोई डरा रहा है? समाज कान खोल के सुन, देश में हम है 5%, ये 5% है, इनकी कोई डरते, हम आपसे डरते नहीं है, चलिए पूरा देश, चलिए हम आपसे डरते नहीं है। आप तो ये बताओ कि पांच वक्त कहां सनातन धर्म को बुरा कहा जाता है, वो अच्छा मैं दूसरी बात बोलता हूं, चलिए मैं वो साबित करो, चलिए मैं बोलता हूं दूसरी बात, पांच वक्त कहां कहा जाता है, मैं बोल रहा हूं ना, ठीक है ठीक है, वो साबित करो, ठीक है ठीक है, आपने बोला जवाब ले, वो साबित करो आप, पहले मैं बोलता हूं, 10 सेकंड बाकी भी बेमानी, मैं बोलता हूं, मैं बिल्कुल बोलता हूं, इनसे एक बार बोल दीजिए, पहले इसका जवाब दो कि सनातन को बुरा कहां कहा, हिजबुल्लाह के पेजर की तरफ फटो मत, वो छोड़ो यार, हिजबुल्लाह के पेजर हो क्या, भाषा के पेजर हो क्या, पहले यहां
इनका क्या प्रॉब्लम है कि इनका इनकमिंग बंद है, आउटगोइंग ही चालू है इनका। नहीं, पर इनका सदियों से आउटगोइंग फ्री है और इनकमिंग पूरी तरह से बंद क्या है। और सुन लीजिए क्या है, आप हट्टी और फट्टी बाबा आगे तो बहुत बहुत झूठ पर सुनाओगे। सुनिए नहीं मैं और आप जवाब नहीं ले रहे हो, मैं बोल इधर उधर भाग रहे हैं। नहीं नहीं आप क्या नहीं है, शांत होंगे तो मैं जवाब लूंगा ना, शांत होंगे तो मैं चुप हूं। ओके ओके बोलो, कहां पांच वक्त सनातन धर्म को बुरा कहा जाता है बताओ। अब मैं बोलूं? बोलो। चलिए अब मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज पूछना, इसका जवाब दो यार, इधर उधर मत जाओ। सही मारा, इसका जवाब दो। अरे इधर उधर मत जाओ, मुकेत तो सही। आपने आप इंतजार करें एक बात, मेरा 30 सेकंड मैं नहीं दे रहा, आधा घंटा, लेकिन जवाब दे। ठीक है आप रुकिए, लेकिन जवाब दिलवाओ। ठीक है जवाब दे रहा। ओके चलिए, एक ही वाक्य, मंदिर में जाना और बुद्ध की पूजा करना, क्या आप इसको कुफ्र मानते हैं? ये तो कोई सवाल नहीं है ना यार, विनय क्यों बोले बीच में? विनय का भी तो झगड़ा करते हैं, इनको पूछे, गलत कह रहा है, इनको पूछे कौन, ये सवाल क्या है? नहीं हां यार, सनातन धर्म चाहिए, मैं आपको आप झूठ बोला वो आप साबित नहीं कर पा रहे। अच्छा मुझे मुझे एक सेकंड, जी एक सेकंड, शांत अभी इनको बोलो, मैंने इससे फिर से पूछता हूं। ठीक है अब आप क्या, एक सेकंड, अगर कोई व्यक्ति मूर्ति की पूजा करता है उसको कुफ्र मानते हैं मौलाना? हाँ यार हमें इस बात का जवाब दो कि सनातन मौलाना की मूर्ति बंद हो गई है, मौलाना की मूर्ति बंद बंद। मेरा एक सेकंड, लेकिन विवेक एक अलग पहलू है। वक्त बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड की मांग जायज है, आपको लगता है? ये देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे बीच में है, इन्होंने ये डिमांड रखी और 16 तारीख को जी हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला। लूंगा एक सेकंड, हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला। हजार भाई शाह शाह क्या मानते हो? हजार भाई शाह एक सेकंड, आर्य समाज नाम की एक चीज है, दयानंद सरस्वती इस देश में हुए हैं। दयानंद सरस्वती ने देखा कि मूर्ति के सामने लड्डू रखा है लेकिन चूहा उठा के ले जा रहा है, तो उनको लगा कि शायद निराकार की पूजा ज्यादा उत्तम है, तो उन्होंने निराकार की पूजा करी। इसका मतलब और आइडियलशिप को आर्य समाज ने छोड़ा। तो ये अगर कोई मूर्ति पूजा नहीं करता है तो सारे मुसलमान खराब हैं, ये एंटी हिंदू हो गए, ऐसा नहीं है। निराकार की साधना भी ठीक है। सोच सनातन बोर्ड, दूसरे बात है सनातन बोर्ड के ऊपर। देखिए हमारी ये डिमांड रही है वामपंथियों की खासकर, कि इस देश के अंदर हिंदुओं के भी, अब वक्फ बोर्ड तो आपने कह ही दिया साहब, हिंदुओं के जितने भी मंदिर हैं इनके पैसे इन पुजारियों की जेब में ना जाएं। ये महंगी महंगी गाड़ियों पे घूमते हैं, लग्जरी में रहते हैं बंगलों में, वो पैसा अगर धर्म के लिए धर्म पे लगे। सबको सरकार के कंट्रोल के अंदर लाओ। तो जो जो डोनेशंस अगर हुई हैं बड़े बड़े मंदिरों तो को भी बोलो कि आना चाहिए, चल चुका है, को भी आना चाहिए सरकार के कंट्रोल, केरल में है कंट्रोल में। वक्फ बोर्ड को जब बनाया गया था मुसलमानों ने विरोध किया था कि आप साहब ये वक्फ बोर्ड क्यों बना रहे हैं, हमारा डोनेशन हमारे धर्म के लिए, लेकिन सरकार ने एक ना सुनी, वक्फ बोर्ड को बनाया गया, उसमें सरकारी नुमाइंदे हैं, वक्फ ट्रिब्यूनल है जिसके अंदर उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है वो अपना नुमाइंदा रखता है। जी 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 देखिए सनातन बोर्ड की मांग की गई है और सनातन बोर्ड क्यों करी गई है, इसलिए की गई है कि जिनका केरल का नाम ले रहे ना सरकार के अंडर है, इनके मंदिरों के पुजारियों को ये बहुत सैलरी दे दे के थक गए ना, इनका अकाउंट खाली हो गया है ना, इसलिए अभी आप अपनी संपत्ति देंगे है? आप अपनी सारी संपत्ति डोनेट करेंगे हिंदू? आप किसे पहले मैं करूंगा अपनी, जिसको सरकार कंट्रोल करेगी? हम कह रहे हैं आपसे पहले हम अपनी देंगे। अभी हमारा निवेदन है तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद जो मिलता है सरकार के अंडर है, वो मंदिर करोड़ों करोड़ों लोगों की श्रद्धा उस मंदिर में है, और उस प्रसाद में क्या खिलाया गया जानते हैं ना आप? गऊ का मांस। किसको? जो सनातनी लहसुन प्याज तक नहीं खाते, जो भगवान के ऊपर इतना अपरस का ध्यान रखते हैं। बात ही वो कोर्ट ने बोल दिया महाराज जी। भाई साहब आप थोड़ी देर चुप रहेंगे? अरे आप जो बोल साहब आप थोड़ी देर चुप रहेंगे? कोर्ट दे चुका है। लड्डू में प्रसाद में क्या मिला हुआ था वो भी निर्णय के विवेक श्रीवास्तव कोर्ट ने फटकार लगाई है। हमें दुर्भाग्य संशय है अभी भी, नहीं नहीं हमें ऐसे ही लोगों से परेशानी है जो सनातन धर्म को बदनाम करने की गारंटी भर के बैठते हैं टीवी चैनलों पर, और इनको मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। इसी के लिए सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए, और इस देश में जितने अधिकार वक्फ बोर्ड के हैं, हमने वक्फ बोर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो कह रहे हैं और उसे ऑर्डर दो,
95 में जो और जो उन्हें मजबूत अधिकार दिए थे और बढ़ा दो, 13 में, 2013 में और अधिकार दिए और बढ़ा दो, लेकिन आज तक जितने भी अधिकार दिए हैं उतने ही अधिकार सनातन बोर्ड को मिलने चाहिए। मंदिर जितने भी हैं वो सारे मंदिर उस बोर्ड के अंदर होने चाहिए और वहां से गुरुकुलम परंपरा जैसे वक्फ बोर्ड मदर चलाता है वैसे ही जो सनातन बोर्ड होगा वो गुरुकुलम चलाएगा, हमारे बच्चों को चरित्रवान बनाएगा, राम के पद चिन्हों पर चलाएगा और उन बच्चों जो कई लोग ऐसे हैं धन के अभाव में जो अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और ऐसों को ये लोग ले जाते हैं, मैं इनकी नहीं उधर वालों की बात कर रहा हूं, ये लोग ले जाते हैं और उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उन लोगों की सेवा हम लोग करेंगे उस सनातन बोर्ड के माध्यम से करेंगे। तो आपको जमीन भी, एक सेकंड, आपको जमीन भी उतनी चाहिए जो वक्त के पास है जितनी? नहीं, उससे ज्यादा चाहिए जितनी हमारे, अभी तो एक नारा, हाँ अभी आ गया याद, आओ आओ सुनाता हूं, अभी एक नारा लगा था ना क्या, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हिस्सेदारी, दैट्स अ कॉम, दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल, हम सनातनियों की जितनी डोनेट करी है यहाँ कौन डोनेट करेगा? कह रहे लोगों ने डोनेट करी है, तो लोगों ने डोनेट करी है अपने धर्म के नाम पे, आपके धर्म के नाम पे आपको डोनेशन मिला है, सरकार को वापस करिए, आपको देने वाले हैं क्या? हाँ ये देंगे जी जी। तो मेरा अमीश जी, मैं अपनी बात खत्म कर, बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड खत्म, बिल्कुल बिल्कुल 10 सेकंड लीजिए। इसी ध्यान, इसी योजना को सनातन बोर्ड कृष्ण भूमि के निर्माण को लेके और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए दिल्ली में 16 नवंबर को बहुत विशाल सनातन धर्म संसद बुलाई गई है और आप सब सनातनियों से, मैं तो आपको भी निमंत्रण दे रहा हूं, प्लीज आप आइए। 16 तारीख का आपका भव्य कार्यक्रम है जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड बनाना चाहिए, शहजाद चौहान आपका वक्फ बोर्ड है, अब देवकी नंदन ठाकुर कह रहे हैं मेरा सनातन बोर्ड होना चाहिए, मेरा अधिकार है और उतनी जमीन होनी चाहिए, उन्होंने एक नारा भी बोला जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मतलब उससे दोगुनी होनी चाहिए जमीन, दोगुनी नहीं, हाँ 20 और 80 है, 20 और 80 वाला मामला, आप बोलिए शादाब, शादाब ये खेल, ये खेल शुरू आपने करा, अब इस खेल को आगे ये लेके जा रहे हैं, अब बताइए। दरअसल क्या है, वक्फ बोर्ड अगर है उसको जितने अधिकार हैं उन अधिकारों की मांग देवकी जी कर रहे हैं सनातन बोर्ड के लिए, बिल्कुल वही, और रेलवे के बाद अगर किसी के पास जमीन है तो वक्फ के पास है, बिल्कुल देवकी जी ने मांग की, मैं उनकी बहुत सारी बातों से सहमत रहता हूं लेकिन इस बात से मैं उनकी से सहमत हूं, सनातन बोर्ड होना चाहिए और ये तो बहुत बड़े दिल की बात है, ऐसे लोग मिल जाओ, सहमत हो गए वो, ऐसे बड़े दिल वाले संत मिलते नहीं है। देवकी जी ने एक बात कही कि जब सनातन बोर्ड बनेगा उसमें सारी संपत्ति दान करके प्रयास जो है न्यू मैं डालूंगा और फिर जितने भी हिंदू भाई दान करना चाहते हैं करें, अच्छी बात है, उनके प्रोटेक्शन के लिए अलग से ट्रिब्यूनल होना चाहिए, कि जमीन देनी भी तो पड़ेगी सरकार को, हाँ देगा कौन देगा, सरकार जो प्रक्रिया आप लोगों के जो सवाल है उसका जवाब देंगे, बात हमेशा श्री राम की हो रही है, श्री राम के रिश्तेदार को कम से कम बात तो करने दीजिए जी, जी मैं भी तो हूँ, नहीं आप नहीं हो, अरे क्यों नहीं, नहीं आप नहीं हो ना, हमारा भी तो नहीं, आप ठाकुर नहीं, यार आप ठाकुर नहीं हो, आप क्षत्रिय नहीं हो, आप क्षत्रिय नहीं हो, क्षत्रिय हूँ मैं, आप कैसी बात करते हो, नहीं नहीं आप नहीं हो, बताओ। अच्छा एक सेकंड, में कोई कंफ्यूजन हो गया, एक सेकंड, ये मुसलमान धर्म इस्लाम धर्म में क्षत्रिय होते, क्षत्रिय क्या होते, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया अब, मैं मतलब मुझे एकदम एकदम मुझे ऐसा लगा कि मेरी जानकारी का अभाव हो गया, इसलिए नहीं नहीं नहीं, मैं जो रिश्तेदारी है जो क्षत्रिय में है, मैं क्षत्रिय हूँ, श्री राम क्षत्रिय, आपका प्रश्न देवकी नंदन, हाँ देवकी जी से मेरा एक ये सवाल है कि क्या आप जो प्रक्रिया वक्फ बोर्ड की जमीन के लिए की गई उसी की डिमांड करेंगे, जिस प्रक्रिया के तहत वक्फ बोर्ड को संपत्ति मिली है उस प्रक्रिया के तहत अगर आप सनातन बोर्ड के लिए 1400 साल पुराना तमिलनाडु में गांव और मंदिर, 1500 साल पुराना, तो जो प्रक्रिया के तहत लिया गया, जो प्रक्रिया और उसी प्रकार से ट्रिब्यूनल होगा, अगर किसी को उसमें विवाद है कोई आपत्ति है ट्रिब्यूनल जा सकेगा, ओके ओके सनातन बोर्ड, एक सनातन बोर्ड, अमीश जी कितना भाई की बात को आगे, मैं एक एक जी पहले जवाब दे दे फिर जवाब, एक 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 सवाल, एक एक से लेना, एक एक सवाल, बिल्कुल आपको मौका दूंगा अमीश जी जी, जहां जहां होके अकबर का घोड़ा गया वो जमीन बक की है और जहां जहां होके मेरे राम जी गए, हनुमान जी गए, कृष्ण जी गए, संत गए, तुलसीदास गए, सूरदास जी गए, हरिदास जी गए, मीरा भाई गए, वो सारी जो जमीन है नहीं वो सनातन बोर्ड लेगा, दान की गई जमीन। दूसरी बात, एक मिनट चौहान साहब आप तो राम के वंशज हैं सर, तभी तो सुन थोड़ा प्लीज राम जी वाला धैर्य रखिए, राम जी हाँ क्या, तो ये सब हुआ तो वो जमीन सनातन बोर्ड, और दूसरी बात ये बड़े करे सरकार क्यों देगी,
आजाद जब हुआ था भारत सरकार ने मंदिर ले भी तो लिए थे, 4 लाख प्लस है माय डियर, सरकार ने ही ले लिए थे वो मंदिर, और सिर्फ सनातनियों के लिए थे, और किसी के लेने की हिम्मत नहीं हुई थी मंदिरों को या पूजा स्थलियों को। सनातन सुनिए, आप मेरी बात सुनिए आराम से, सरकारी कंट्रोल, सनातन धर्म के जितने मंदिर सरकार ने लिए और जितना पैसा सरकार ने लिया सनातनियों के लिए, उसका चवन्नी भर नहीं किया, और यह सनातन का दुर्भाग्य है। अगर उसी पैसे से हमारे सनातनी बच्चों को पढ़ा दिया गया होता तो आज हमारे बच्चे इतने पीछे नहीं होते। सिर्फ आप लोगों की जेबों में जाता था, आपका सवाल, फिर मैं फिर देवकीनंदन जी का जवाब। सवाल मेरा कुछ नहीं है, मैं महाराज जी से सहमत हूं, इन्होंने जो सनातन बोर्ड बनाने की बात कही है, मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर गौर नहीं करना चाहिए, बल्कि देवकीनंदन ठाकुर जी को इनविटेशन देना चाहिए, आप आइए, क्या रास्ता उसका हो सकता है, बैठ करके इसको तय कीजिए। और जहां तक वक्फ बोर्ड की ज़मीन का सवाल है, तो उस वक्फ बोर्ड की ज़मीन को तो लोगों ने अल्लाह की राह में दिया हुआ था, हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि अगर देश की भलाई के लिए सनातन बोर्ड को ज़मीन की ज़रूरत पड़े तो सरकार ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं ओके। शहजाद, सबसे पहले तो मैं शादाब की तारीफ़ करना चाहता हूं, जिस प्रकार से वो अपने आप को राम के वंशज बता रहे हैं और है भी, तो मैं एक ही वाक्य कहूंगा, लगा लिया तेल डाबर का, मिटा दिया निशान बाबर का। अब डायलॉग डिलीवरी करने लगे, लगा लिया तेल डाबर का, मिटा दिया निशान बाबर का। बाबर भी भारतीय थे, भाई सुन लो, अखंड भारत का हिस्सा थे। बाबर कहां से आए, सुनिए अखंड भारत क्या है, अरे एक सेकंड, बाबर भारत की बात, इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, अखंड भारत क्या है, हम तो अखंड भारत चाहते हैं ना, देवकी जी भी चाहते हैं, हम सब चाहते हैं, कहां से आए बाबर। अच्छा सुनिए, अब मुझे जवाब दे, अखंड भारत मुझे जवाब देने, अमित जी मेरी बारी थी, देखा एक सेकंड में मौलाना का भी उतर गया और यहाँ पर भी राम को डाबर और बाबर जैसे आया, तो बाबर के वंशज बन गए राम जी को बोल रहे, अभी आपके सामने हुआ है कि बाबर यहीं से थे, बाबर नामा अरे भारत के थे। बताइए अब दूसरी बात, देखिए ऐसा सुनिए, आप तो झूठ फैला रहे हैं बैठ करके, अमित जी उन्होंने शुरुआत में बोला, अमित जी मैं उठ के चला जाऊंगा, मैं इतनी देर के बाद बोल रहा हूँ, अगर ये ब्लैकमेल करेंगे, ये कौन है, ये कौन है, ये पसमांदा को चाहते ही नहीं है, ये पसमांदा चाहते ही नहीं है, इनको ये 5% वाले, ये 5% वाले चाहते नहीं है, ये 90% नहीं चाहते, अमित जी आप कीजिए, मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला है, जिसको बोला है उसको प्रॉब्लम नहीं, ये ज्यादा गर्म हो रहे, ये क्या तरीका, आप सुनिए, आपने इस्लाम को टारगेट किया, अरे नहीं वो कह रहा है आपने इस्लाम को टारगेट किया, ओके, आप पर्ची लिख करके लेकर के आते हो, इंटरप्रिटेशन अपना बात कर रहे हैं, मुझे झूठ बोला तो यहां बैठ कर, मैं इनको मानता ही नहीं हूं, मौलाना है, चलिए मत मानो ना, नहीं मानना है, आप मत मानो, ये कौन है मुझे डांट रहा है, ये कौन है डिसिप्लिन कर रहा है, कौन है मॉनिटर है, अमित जी आप कंट्रोल करो, एक सेकंड, अमित जी आप बहुत ज्यादा हो गए, मेरा मेरा निवेदन है, आखिरी दौर है चर्चा का, आखिरी दौर है, ये झूठ फैलाते हैं, आप बुलडोजर बाबा वाला हूँ, मैं बुलडोजर निकालूंगा तो सब भाग जाएंगे यहाँ से, अब सुन लीजिए, देखिए मैं अब वक्त के विषय में इतनी बड़ी बड़ी बात हुई, आप भी बना लीजिए महाराज जी सनातन बोर्ड, अरे किसानों की जमीन को छोड़ नहीं रहे हो, ताजमहल छोड़ नहीं रहे हो, 1500 साल पुराना शिव मंदिर कैसे क्लेम हो गया, 1400 साल दूसरी बात, क्यों इतना फट रहे हैं बॉम्ब की तरह, टाइम बॉम्ब है क्या, सुनिए मैं अपनी दूसरी बात कर लूं क्या, सेकुलरिज्म का पार्ट पढ़ाते पढ़ाते लफ्जों के खेल से डिबेट नहीं होती, अमित जी देश सुनता है आपके मुंह से क्या निकलता, मौलाना लफ्जों से कभी काम लेते, हथियारों से कम लेते तो आज झूठ नहीं होते, मौलाना लफ्जों से काम लेते, हथियारों से नहीं लेते, मैं एक विषय को लेकर आना चाहता हूँ, देखिए सनातन बोर्ड की बात हुई, देखिए मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि जो संविधान वाले, ये दोनों संविधान वाले ना, अरे भाई, अरे यार अमित जी क्या तरीका, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करता, पर ये लोग ऐसे करते, सुनिए संविधान वाले ये बताए कि
के लिए तो बोर्ड है और इतना जमीन आपने अनियमित रूप से ले लिया, आप बताइए कि जैन के लिए क्यों ना हो, क्रिश्चियन के लिए क्यों ना हो, पारसी के लिए क्यों ना हो, ईसाई के लिए क्यों ना हो? नहीं, इन्होंने इतने दिन मांग की, इन्होंने तो मुसलमानों की जमीन हड़प ली, दरगाह वालों की, आगा खानियों की, पसमानदाओं की जमीन हड़प ली। अब मौलाना के पेट में यही दर्द हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अब मिलेगा आपके पास। एक सेकंड, देखिए, इस देश की सेकुलर सियासत ने मुसलमानों का भला किया है या उसका नुकसान किया है? ना, मुसलमानों का तो मुझे लग रहा है अमीश जी कहीं दूर दूर तक कहीं कोई भला नहीं हुआ है। सेकुलर सियासत, बिल्कुल, कोई सब यार वोट की राजनीति है, कोई सेकुलर अखिलेश यादव वोट की राजनीति कर रहे हैं, सब वोट की राजनीति कर रहे हैं सर, सब रोज वोट की राजनीति कर रहे हैं सर, विवेक शर्मा, योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं वोट की राजनीति कर रहे हैं। मेरा नाम आप एक बात बताओ, नहीं नहीं मेरा नाम आपका नाम, आप एक बात बताओ, इनको वोट मिल ही नहीं रहे सब लोग पूरे देश में जो लोग जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, जो भी हो, सब वोट की राजनीति कर रहे हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, सब राजनीतिक लाभ चाहते हैं। किसी एक मिनट, किसी को अगर भलाई है, मैं कह रहा हूं कि एक इतना खूबसूरत मुल्क है, ऐसा माहौल बने, लेकिन वो माहौल नहीं बन पा रहा है, कहीं ना कहीं से, चाहे वो इधर से हो चाहे उधर से हो, गलत बातें दोनों तरफ से हो रही हैं, दोनों कौमों का। एक सेकंड मैं आपके पूछना चाहता हूं, यहाँ पर तो माहौल नहीं बन पा रहा, बीजेपी आरएसएस बहुत बुरी है, इराक, ईरान, लिबिया, सुदान, यहाँ पर क्या हो रहा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर क्यों नहीं सरकार का काम दिवाली मनाना नहीं है, सरकार का काम दिवाली सरकार का दीपावली मनाना नहीं है, सरकार का काम प्रधानमंत्री के हाउस में वो इफ्तार पार्टी करना है, ये है इफ्तार पार्टी अलग है। क्या बोला आपने, क्या बोला एक सेकंड क्या बोला आपने, इफ्तार पार्टी, दीपावली अलग है, इफ्तार पार्टी अलग है, मतलब इफ्तार पार्टी के अंदर आप इफ्तारी करते हैं क्या? आप रोजा रखते हैं, इफ्तारी के लिए चले जाते हैं, यानी उपवास रखा रही है ना, उपवास रखते रहिए, उद्यापन करने के लिए चले जाते हैं। ये भी एक्सेप्ट किया, प्रेम से एक्सेप्ट किया ना, ये प्रेम है बेटा। सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार का काम है पढ़ाई लिखाई नौकरी, मंदिर बनाना नहीं है, मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं है, नौकरियां दो। मैं एक बात कहूंगा, इतनी जनता कह रही है कि अगर तुम सेक्युलर हो तो इस जनता के लिए पटका पहन लेते, पर नहीं पहना, पहना ही नहीं। देखो एक सेकंड, कौन कह रहा है, कौन? अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोल रही है आप? खड़े होकर हाथ में ना रखें उसे, पहने, इज्जत दीजिए उसे। जी बोलिए, आपको सनातन धर्म के सिंबल से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मुझे इतनी चिढ़ क्यों है? मुझे प्रॉब्लम आज है क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से देश की व्यवस्था पे बात करने आया हूं। जिस दिन अपने मंदिर में बैठ के मेडिटेशन करना होगा, मैं ये भी पहनूंगा, मैं घंटी भी बजाऊंगा। धर्म धर्म व्यक्तिगत है, धर्म व्यक्तिगत है, सार्वजनिक नहीं। चलते चलते कुछ सुना दीजिए। मेरी झोपड़ी के बाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज, अरे बजा लो, अरे सुनो जी, अरे सुनो, आप बोलिए मत, से ताली बजा लीजिए मेरे साथ। मैं ना, हमारे यहाँ ना मैं कभी ताली भी नहीं बजा सकते, मैंने कभी नहीं बजाई। चलो मैं ही गा लेता हूँ फिर, मैं किसी इनको विवश नहीं कर रहा हूँ, है ना, फिर हार जाएगी। अरे ठीक है तो बीजेपी फिर, मतलब आप कह रहे हैं राम का नाम लेने से बीजेपी चुनाव हार जाएगी? जी आपकी राय है, लेकिन राम का नाम लेने से जीवन शुरू होता है और जब अंतिम समय आता है तब भी राम नाम सत्य ही होता है। तो चलिए ओके, विवेक जी की नैया डूबेगी फिर से, क्योंकि ये राम से दूर भाग रहे हैं, और जो राम का नाम ले लेता है वो तो भवसागर से तर जाते, चुनाव की तो वैल्यू क्या है। आइए, मेरी झोपड़ी के बाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे तो पल ना झुलाऊंगी, हो राम आएंगे तो पहले ना झुलाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे दुख मिटे जाएंगे, राम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो फिलहाल ये देश है हमारा, क्या आज के एडिशन में इतना ही। आप सबको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।